फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स इसरो ड्रीम प्रोजेक्ट GSET 19। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं GSLV के बारे में, GSLV मार्क 3 जो कि रिसेंटली लॉन्च की है इंडिया ने GSET 19 सैटेलाइट इसके अंदर, ओके, इस लॉन्चिंग व्हीकल के साथ में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसरो का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि इसरो ने काफ़ी साल मेहनत के करने के बाद में, क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बाद में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ओके। तो ये वीडियो आपके सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि इसमें से आपको जरूर एक क्वेश्चन आने वाले पेपर में आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं, इंडिया ने मंडे को पहुंच गया है उन सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ नेशंस के अंदर जिनके पास खुद की इंडिजीनियसली क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी है, ओके। ये टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स की जो टेक्नोलॉजी के लिए 2 decades पहले इसरो को USSR ने देने से मना कर दिया था अंडर द प्रेशर ऑफ US, ओके। इस टेक्नोलॉजी की वजह से आप क्या कर सकते हैं कि जो हैवी सेटेलाइट है उनको लॉन्च करने में हेल्प मिलती है जो कि भारत अभी तक नहीं कर पाता था। इंडिया मेजरली फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट था, ओके। एरिन 5 जो एक लॉन्च व्हीकल है उसके ऊपर भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, ओके, फ्रेंच एरिन, तो इसके ऊपर भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था और भारत जो अपनी हैवी सेटेलाइट लॉन्च किया करता था वो इसी की हेल्प से ज़्यादातर किया करता था जो कि इंडिया और फ्रांस के स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन था। तो अब लेकिन इंडिया को किसी भी दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है और इंडिया खुद के क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप करके इंडिया ने अभी रिसेंटली GSLV Mark 3 D1 जो कि हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल इंडिया ने डेवलप किया है उसके साथ में हैवीएस्ट सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च करी है जिसका नाम है GSET 19, ओके। तो फ्रेंड्स, ये क्रायोजेनिक इंजन के बारे में सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी, ये वही इंजन टेक्नोलॉजी है जिससे आप, मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि आप हैवीएस्ट जो आपकी सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर सकते हैं। अगर अपन बात करें फ्रेंड्स PSLV की, दुनिया का मोस्ट एक्यूरेट सबसे चीपेस्ट फ्लाइट ये ऑफर करता है, ओके। तो इसके अगर बात करें अगर अपन, तो इसके अंदर क्या कौन सा फ्यूल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो इसमें देखिए सॉलिड लिक्विड इस तरीके का 4-stage प्रोसेस होता है, ओके, फ्यूल का। और यहाँ पे अपन 2300 kg तक भेज सकते हैं, यानी कि 2.3 kg तक, टन तक सेटेलाइट को भेज सकते हैं। अगर आपको इससे ऊपर जाना है तो आपको फॉरेन कंट्रीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इंडिया ने यहाँ पे इस हैवी सेटेलाइट, ये 3.2 टन की है जो कि अपन ने भेजी है, और अपन 4 टन तक की सेटेलाइट को भेज सकते हैं इस क्रायोजेनिक इंजन की वजह से। तो PSLV में 4 stage था लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे कि अगर अपन ने इससे पहले GSLV भेजी थी Mark 2, ओके, SAARC सेटेलाइट जो कि पाकिस्तान ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया था, उसके बाद अपन ने साउथ एशियन इसका नाम रख दिया था। तो यहाँ पे अपन ने जो भेजी थी वो 2.1 टन तक की सेटेलाइट भेजी थी, ठीक है, और इससे ऊपर अपन ने इस बार भेजी है जिसका नाम है GSET 19, या GSET, ठीक है। तो ये GSLV Mark 2 लॉन्च व्हीकल से अपन ने भेजी थी और अभी अपन ने डेवलप किया है Mark 3 जिससे अपन ने अपनी कैपेबिलिटीज़ है उसको एनहेंस कर दिया है। तो ये क्रायोजेनिक इंजन बनाते ही भारत 6th number का देश बन गया है दुनिया में, आफ्टर रशिया, चाइना, जापान और यूरोपियन यूनियन एजेंसी और USA, इनके बाद में 6th nation बन गया जिसके पास में खुद की क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी है और वो खुद हैवी सेटेलाइट भेज सकता है। देखिए, ये जो अपन ने सेटेलाइट भेजी है इसका नाम है मॉन्स्टर रॉकेट, GSLV Mark 3, ओके, ये जो अपना लॉन्च व्हीकल है इसका नाम है मॉन्स्टर रॉकेट क्योंकि इसने बहुत बड़ी सैटेलाइट भेजी है। साथ में अगर इसके सैटेलाइट की बात करें रॉकेट की, तो ये 200 एलिफेंट एशियन एलिफेंट के बराबर इसके वेट है, इसीलिए इसको मॉन्स्टर रॉकेट भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और दुनिया के 6th देश बन गया है भारत जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये GSET 19 क्या है, ओके, अपन ने GSLV Mark 3 से GSET 19 नाम की सैटेलाइट इसके अंदर भेजी है। तो इस सैटेलाइट, ये क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन कि इंडिया की जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट होगा और अपन ये जियोसिंक्रस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO के अंदर भेजी है और ये 2-3 week लगाएगी अपने आप को प्लेस करने के अंदर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इससे कई सारे फायदे होने वाले हैं फ्रेंड्स, ओके, वो मैं आपसे आने वाले थोड़े टाइम में डिस्कस करूँगा कि इससे कई और भी कौन से फायदे हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो सैटेलाइट थी इसका वेट कितना था, इसका सैटेलाइट का वेट था 3136 kg, यानी कि नियर बाय 3.2 टन की सैटेलाइट अपन ने भेजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले जब अपन ने इसरो की, इससे पहले अपन ने GSLV Mark 2 के द्वारा जो साउथ एशियन सैटेलाइट भेजी थी, ओके, उसका 2.1 kg के आसपास का पेलोड था, 2.1 टन के आसपास का पेलोड था।
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले SLV 3, फिर अपन ने ASLV, PSLV, GSLV मार्क 1-2 और फिर अपन ने डेवलप किया GSLV मार्क 3। देखिए वेट इसका कितना है, नियर बाय 600 टन के आसपास है और इसका पेलोड है वो 4 टन के आसपास है, हाइट इसकी 42 मीटर के आसपास है। तो यहाँ पे तीन, और यहाँ पे जो अपने प्रोपेलेंट यूज़ करें हैं ठीक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिक्विड ऑक्सीजन और साथ में लिक्विड हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं ठीक है। ये इंडिजिनियस एक क्रायोजेनिक इंजन है जिसके अंदर अपन ने लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट यूज कर रहे हैं ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये है क्या, ये फोर्थ जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है जिसके अंदर अपन ने सेटेलाइट भेजी है, कौन सी, जिसकी मैंने बात करी अभी, GSAT-19 ओके, ये पिछली वाली कम्युनिकेशन सेटेलाइट GSAT-19। तो ये लॉन्च व्हीकल है, कौन से फोर्थ जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है जिसमें थ्री स्टेज व्हीकल अपन ने यूज किया है, जैसे कि फर्स्ट है फोर लिक्विड स्ट्रैप्स ऑन ठीक है, उसके बाद में क्रायोजेनिक इंजन और साथ में लिक्विड भी यूज किया है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर एक्चुअली है क्या, देखिए ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है इंटरनल, यहाँ तो आपका सेटेलाइट है जो कि अंदर आपने इनबिल्ट करी है, इसके बाद में यहाँ पे इक्विपमेंट भी है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो ये वाला जो पार्ट है S200 वाला, ये टू सॉलिड मोटर स्ट्रैप्स है यहाँ पे, जो इसको अपन S200 कहते हैं। उसके बाद में लिक्विड प्रोपोलेंट कोर स्टेज है जिसको अपन L110 कहते हैं ठीक है, लिक्विड प्रोपोलेंट कोर स्टेज। और फिर ये जो तीसरा वाला है ऊपर वाला, इसमें अपन ने क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया है, क्रायोजेनिक स्टेज जिसको अपन C25 कहते हैं ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन ने इसका पूरा बिल्ड किया है। देखिए इसको पूरा फॉर्मेशन करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, 2S200 जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा ठीक है, फोर लिक्विड स्ट्रैप्स है यानी कि 2x2 है, साथ में L110 है प्लस C25 है ठीक है। मैक्सिमम डाया 4 मीटर का है, फीचर देखिए थ्री स्टेज व्हीकल है, सेफ इंपैक्ट है सभी स्टेजेस के ऊपर, और ये जो साइड में लगे हुए हैं ये क्या है, बूस्टर्स हैं जो कि ऊपर ले जाने के उसके काम आते हैं। अब देखते हैं इसरो क्या कर रहा था फ्रेंड्स, ट्राइंग टू मास्टर डेवलपमेंट ऑफ ए इंडिजिनियस क्रायोजेनिक इंजन फॉर डेकेड्स, इंडिया नियर बाय 2 डेकेड से कोशिश कर रहा था डेवलपमेंट करने की इंडिजिनियस क्रायोजेनिक इंजन ठीक है GSLV फ्लाइट के लिए। इससे पहले जो अपन ने जो बनाई थी वो रशियन डिजाइन के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन ये वाली जो अपन ने मार्क 3 जो अपन ने बनाई है ये टोटली इंडियन है, इसमें अपन ने ना तो कोई टेक्नोलॉजी और ना ही कोई एलिमेंट लिए हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं किसी भी अदर स्पेस टेक्नोलॉजी से ओके, या फिर अदर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से, प्योरली इंडियन ये बनाई गई है ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जो जानना, कहाँ से अपन ने लॉन्च करी थी, फ्रॉम श्री हरिकोटा जो अपना है, हरिकोटा है श्री हरिकोटा AP सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहाँ से अपन ने इसको लॉन्च करी है। नियर बाय 200 से 300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था जो कि 15 से 20 साल मेहनत करने के बाद में अपन ने डेवलप किया है ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके फायदे क्या हैं, GSAT-19 के फायदे क्या हैं, जो अपन ने सेटेलाइट भेजी है ये स्टडी करेगी नेचर का, चार्ज पार्टिकल्स का और जो स्पेस रेडिएशन है उसकी स्टडी करेगी कि जो ये स्पेस रेडिएशन है सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऊपर क्या इनका इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा इंडिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी, साथ में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ओके, कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इन सभी के ऊपर स्टडी करेगी। और यहाँ पे अपन ने इंडिजिनियसली लिथियम बैटरीज भी यूज़ करी है और ये लिथियम बैटरीज की हेल्प से अपन फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक ये जो लिथियम बैटरीज है ये अपन कार बसेस में भी यूज़ करने वाले हैं जिससे पेट्रोल की जो डिमांड है वो कम हो जाए। साथ में इस हैवी सैटेलाइट से क्रायोजेनिक इंजन के डेवलपमेंट से GSAT-19 के बिजनेस से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी खुलने वाली है इसरो के लिए। इसके प्राइवेट आर्म है जो कि एंथ्रेक्स है ओके, एंथ्रेक्स जो कि इसकी कमर्शियल आर्म है, ये बहुत ज़्यादा बिजनेस क्रिएट करती है, फॉरेन जो छोटे देश हैं बाकी देश हैं उनकी सैटेलाइट अपन लॉन्च कर सकते हैं। पहले तो अपन सिर्फ PSLV की हेल्प से ही लॉन्च किया करते थे ठीक है, जो कि 2.3 टन तक की सैटेलाइट लॉन्च करते थे, अब अपन GSLV की हेल्प से ठीक है बड़ी सैटेलाइट वो भी अपन लॉन्च कर सकते हैं जो कि 4 टन के बराबर है। तो इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी खुलने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अगर मोर लॉन्चेस के बारे में बात की जाए तो 2 और लॉन्चेस अपन करने वाले हैं एरिन 5 में फ्रेंच गुयाना से ठीक है, जो कि एक शेड्यूल है GSAT-18 जो कि शेड्यूल है 18 जून को, जो कि 3.3 टन का है ओके। उसके बाद में 5.8 टन की सैटेलाइट भी अपन लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा इसके लॉन्च करने के बाद से इंडिया के जो मैन मिशन है इसके ऊपर भी काफ़ी सारे बातें की जा रही है कि इंडिया आने वाले 7 साल के बाद में, ऐसा कहा गया है कि इसरो ने डिमांड करी है नियर बाय 12,000 करोड़ की गवर्नमेंट से,
ताकि जो ह्यूमन है उनको भी अपन स्पेस में पहुंचा सके। 7 साल अगर अपन अभी से काम करना चालू करेंगे तो 7 साल में अपन ऐसा कर पाएंगे। और ऑलरेडी जो कई सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है ह्यूमन स्पेस मिशन को लेकर वो इंडिया ने डेवलप कर लिए, इसरो ने, यहाँ तक कि स्पेस सूट जो है वो भी ऑलरेडी डेवलप करे हुए हैं कई सारे। ओके, क्रू मॉड्यूल के ऊपर भी अपन ने स्टडी करी है और इस तरीके से अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में अपन ह्यूमन को भी भेज सकते हैं स्पेस के अंदर। और ये सारी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है इस टॉपिक से। जी सेट 19 साथ में आपको क्रायोजेनिक इंजन और साथ में जो अपनी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बात करा, GSLV Mark III क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, इन सभी के ऊपर आपसे इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कशन किया। इतना ही आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सब कर लेंगे तो आपके पेपर में इससे Mark III से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जरूर, ताकि आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें जरूर जान पाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।